असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश या ट्यूचर पर वालकम कहती हूँ आज इस वीडियो के अंदर हम जो शॉर्ट स्टोरी कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ दॉट विच इज रन बाई निकोलाई ग एक रशियन राइटर है और ये स्टोरी भी जो इन्होंने लिखी थी वो रशियन लैंग्वेज में ही लिखी थी लेटर ऑन इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था ये वर्क 1842 में पब्लिश हुआ जिसके अंदर मेनली सोशल रैंक की बात की गई नरेटर इसके अंदर रीडर से डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है और टाइटल जो है वो रेफ़र कर रहा है एक करेक्टर है इसके अंदर उसने कोट बाय किया उस पॉइंट को रेफर कर रहा है और वो जो कोट है वो सिंबलाइज कर रहा है हाई पर्पज इन लाइफ को और अब बेस लाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि डिफिकल्ट थे उस टाइम में हमारे मेन कैरेक्टर के लिए स्टोरी की सेटिंग जो दिखाई गई है वो सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई गई है इसके अलावा जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन निरेशन के अंदर है बेस कर रही क्लियर तो अब स्टार्ट करते हैं की कीफेक्स देखें मैंने बताया आपको कि फुल टाइटल इसका ओवर कोट है पब्लिश ये 1842 में हुई थी लिटरेरी पीरियड इसके अंदर रियलिज्म है और फर्दर मोर इसके अंदर हम लोग को नाइनटीन सेंचुरी रशियन लिटरेचर नज़र आता है यानरस का शॉर्ट स्टोरी है सेटायर है सेटिंग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर है और हम देखते हैं इसमें अकाके नेम का एक करैक्टर है वो करैक्टर जो है वो कितनी स्ट्रगल करके अपना कोट गेन करता है और इसमें जो क्लाइमैक्स क्या आएगा जिसने इसको कोट मिला था जिसने ओवर कोट बनाया था खुद का वो कोई चोर इससे छीन के ले जाएंगे और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थर्ड पर्सन ऑमनेशियंट कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट बता दूँ मैं अकाके के बारे में अकाके जो है बेसिकली ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च को पैदा हुआ था और अकाके के फादर का नाम भी अकाके ही था इनके जो बालों का रंग था वो रेड था अकाके का पहला नाम जो था वो खोजदाजाद रखा जा रहा था लेकिन इनकी मदर ने इस नेम को रिजेक्ट किया और इनका नाम अकाके रखा जिस फैमिली से बिलोंग करता था उस फैमिली का नाम था बशमजन जो कि वर्ड बशमकिन निकला था इसका मतलब था शू फर्दर मोर इसके करेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये मॉडस्ट और पुअर है इसके अलावा ये अपनी हैड के अंदर वाटर मेलन रखा करता था मैं आपके सारे पॉइंट क्यों बता रही हूँ क्योंकि सबके सब के अक्सर एम एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टोरी के साथ साथ ही बता रही हूँ इसके अलावा जिसके कोवर्कर थे जो ये कोट पहना करता था उस कोट को देख के कहा जाते कहते थे हाउस uh, कोट ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन था लेकिन जब ये बोलता था तो बहुत ही एक्सट्रीमली अनक्लियर वे में बोलता था जब भी इसने स्ट्रीट्स में चलना तो इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा था जो भी लोग थे कभी भी किसी की तरफ अटेंशन नहीं देता था और इसको कॉपिंग जब वर्क था वो बहुत ज़्यादा पसंद था और इसके साथ कोई भी नहीं रहता था मतलब ये अपने घर में अकेला रहता था क्लियर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अकेले के बारे में अब हम स्टोरी को करते हैं शुरू सॉरी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं अब जो रशियन एम्पायर थी नाइनटीन सेंचुरी के अंदर वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो लार्ज स्लो और करप्ट थी ठीक है यानी कि जो लार्ज स्लो और करप्ट लोग थे वो गवर्नमेंट को चला रहे थे यहाँ पे तजार थे एम्पर थे और जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे रशियन के अंदर जितने भी ब्यूरोसी थे उन सबको बहुत ही कम पे किया जाता था ज़्यादातर वो अनएजुकेटेड थे और इस बेस पे क्या हुआ यहाँ पे ब्राइब सिस्टम आम हो गया लोगों ने रिश्वत रिश्वत लेना शुरू कर दी जो गवर्नमेंट का सिस्टम था सारा का सारा ख़राब हो गया ब्राइब्स की वजह से और जो ब्यूरोट्स थे यहाँ पे वो भी बड़े अनकॉलीफाइड थे और बिल्कुल ऐसा ही इन्वामेंट हमारे राइटर ने अपने इस प्ले के अंदर दिखाया है इस प्ले को एक सटायर एक कॉमिक की फॉर्म में लिखा गया है और वहाँ पे दिखाया है कि इस सोसाइटी में जहाँ पे ब्यूरोट्स हैं जहाँ पे हर जगह ब्राइब्स चल रहे हैं वहाँ पर से करेक्टर के साथ क्या होता है वहाँ पे कैसे जो ब्यूरोट्स हैं कैसे जो हायर रैंक के लोग हैं वो एक्सप्लोयड करते हैं इंडिविजुअल को जो कि लोग लो, लो रैंक से बिलोंग करते हैं क्लियर तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो रिस्पेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी गई है अब हम जो शॉर्ट स्टोरी की जो है, उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी की ओपनिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास अका के, अका, अका के नाम का एक करेक्टर है जो एक लो रैंकिंग ऑफिशियल है और एक कॉपिस्ट के तौर पे एक नेमलेस डिपार्टमेंट में काम करता है वो डिपार्टमेंट रशियन ब्यूरोसी का है नेरेटर यहाँ पे बताता है कि जो अकेकी okay, है ना ये बचपन से एक मीडियोकर और इन काइंड ऑफ पर्सन है इवन कि इसकी जो फैमिली नेम है वो फैमिली नेम मैंने आपको बताया था बश मैक उसका मतलब भी यही है शू और इसकी मदर मतलब ने इसको ये नाम इसलिए दिया था ये सोच कर के थ्रू आउट इसकी लाइफ जो है ना वो इसकी फेट डल ही रहेगी और हम प्रेजेंटली भी देखते हैं कि बहुत ही डल लाइफ गुजार रहा होता है ये और अपना काम कॉपी वर्क बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लव के साथ कर रहा होता है और जितनी भी इसके सराउंडिंग में चीज़ें हो रही होती हैं जितने भी एस्पेक्ट हैं लाइफ के उन सब को ये निग्लेक्ट करता है किसी के बारे में फ़िक्र नहीं करता या अपनी अपेरेंस के बारे में फ़िक्र नहीं करता जो खाना खा रहा है उसको खाने की भी फिक्र नहीं है जो मिल रहा है बस खा रहा है मतलब इसको सोसाइटी के अंदर जो भी हो रहा है ही डज नॉट केयर अबाउट एनी और ये लोगों से इतना मिलता जुलता भी नहीं है ना दूसरे ऑफिशल्स के साथ बैठना इतना पसंद करता है और जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में दूसरे क्लर्क भी हैं और वो क्लर्क जो हैं वो मोस्टली इसका मजाक उड़ाते रहते हैं अब अकेले जो है वो इनके मजाक उड़ाने का भी माइंड नहीं करता लेकिन सम टाइम उसको गुस्सा आ जाता है वो उनके ऊपर शाउट करता है कि यहाँ से चले जाओ मुझे अकेला छोड़ दो तो इन शॉर्ट यहाँ हम लोग को नज़र आता है कि अकेके जो है वो अपनी लाइफ के साथ कंटेंट है लेकिन सम टाइम उसको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं क्यों जैसा कि सेंट पीटर्सबर्ग ऐसा इलाका ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ठंड होती है और इसको उस ठंड का सामना करना पड़ता है तो ये इसकी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था और जो ये ओवरकोट पहनता था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो काफ़ी फट चुका हुआ था काफ़ी पुराना था और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मजाक भी करते थे इसका कोर्ट की वजह से मजाक उड़ाते भी थे अब एक दिन अके के डिसाइड करता है कि वो अपने कोट को ना ठीक करवाएगा वो पैट्रोविच नेम का एक टेलर होता है जो कि एक ड्रंकर्ड मैन भी होता है उसके पास जाता है और कहता है ये जो कोट है ना बहुत फटा हुआ है इसको अप कर दो इसको ठीक कर दो लेकिन वहाँ पे जब टेलर इसका कोट देखता है तो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फटा हुआ है ये तो ठीक नहीं होगा तुम्हें चाहिए कि तुम जो ना एक न्यू ओवरकोट खरीद लो और जो नया ओवरकोट है वो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रेबल्स का आएगा अगर के बड़ा हैरान होता है पहले कि वो क्या करे वो चाहता है कि इसका यही ओवरकोट ठीक हो जाए लेकिन पेट्रोविच ने कहा नहीं ये ठीक नहीं हो सकता फिर वो सोचता है वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा लेकिन एनी हाउ वो फिर ना पेट्रोविच को कहता है कि तुम ना मेरा ये कोट एटी रब का ले लो और वो उसको ये भी कहता है कि तुम जो हो ना वन फिफ्टी की बजाय मुझे सॉरी एटी रबल्स के अंदर जो है ना इसका अरेंज करवा दो कोर्ट का मैं क्या करूँगा मैं अगले महीने में जो भी खाने पीने का सामान होता है जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो सब कुछ नहीं खरीदूंगा पैसे जमा करके तुम्हें तो दे दूंगा और ये क्या कि वो अपना काम करना शुरू कर देता है और बहुत मेहनत से अपना काम शुरू करता है एक की वो इतना ज़्यादा डिवोटिंगली अपना काम करता है कि उसका बॉस उससे इम्प्रेस हो के उसको बोनस दे देता है और ये बोनस अनएक्सपेक्टेड बोनस होता है क्योंकि ये कई सालों से इसी फैक्ट्री में इसी इसी कंपनी में काम कर रहा है ठीक है इसी ब्यूरोसी के फैक्टर के अंदर काम कर रहा है सॉरी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है लेकिन काफ़ी टाइम से इसको पैसे कोई नहीं मिले मतलब कहते हैं ना प्रमोशन होना कभी भी प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन एनी हाउ इसकी डिवोशन देख के इसका बॉस अब इसको अनएक्सपेक्टेड बोनस देता है अके के जो वो पेट्रोविच के पास आता है और पेट्रोविच और अके के मिल के कुछ डिसेंट क्लॉथ्स ख़रीदते हैं कुछ फर खरीदते हैं और बाद में क्या होता है बाद में पेट्रोविच जब वो कोर्ट को कम्प्लीट कर लेता है राइट अबाउट अराउंड अबाउट टू वीक्स ठीक है वो दो हफ्तों के बाद ख़ुद आता है एक के पास वो कोट लेके जो कि एक न्यू मैग्निफिशेंट ओवर कोट होता है उसको देख के बहुत खुश होता है और ये पहन के उसको अपने काम पे जाता है जब ये ओवर कोट पहन के अपने काम पे जाता है तो उसके कोवर्कर्स जो है उसको देख के बड़ा ही खुश होते हैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और वो कहते हैं कि अब जो है ना हम तुम्हारा नया कोट लेने की खुशी में पार्टी करने वाले हैं अब लोगों का इसको इतना इंटेंशन देना अकेके okay, okay, को पसंद नहीं आ रहा था लेकिन एनी हाउ जब उन्होंने पार्टी की बात की तो इसने पार्टी के बारे में जो उन्होंने इन्विटेशन दिया था एक्सेप्ट कर लिया अब वो नाइट को अकेके okay, अपने फैलो ऑफिशियल जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक हेल्दी डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पर रहता सॉरी वेल्दी डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पर रहता था तो अके okay, चला गया वहाँ पर पार्टी अटेंड करने सारे पार्टी गोयर्स जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सब ने के को बड़ा अप्रिशिएट किया उसके न्यू कोड को बड़ा अप्रिशिएट किया उसकी बड़ी तारीफ की फिर उसके बाद दोबारा के सारे के सारे अपनी मैरीमेंट के अंदर पे हो गए अब जब लोग इसकी तारीफ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स सीते बड़ा खुश होता है ओवर जोइड फील करता है केके वहाँ पे लेकिन बाद में दोबारा लोग इसको छोड़ के अपनी मैरीमेंट्स मतलब जैसे कि कार्ड गेम्स खेलना ड्रिंकिंग करना इसके लिए चले जाते हैं अब आके के बैठा होता है अकेला ऑकवर्ड फील कर रहा होता है ओवरवेलम फील कर रहा होता है इसके पास जो है ना इसका दोस्त आता है कहते हैं आओ हम चैम्पियन पीते हैं ये ड्रिंकिंग करना शुरू करते हैं ड्रिंकिंग करके तो के, के जो है वो अच्छा फील कर रहा होता है अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगे के आज से पहले कभी भी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं गया था और ना इतनी रात तक घर से बाहर ठहरा था अब ये जो है काफ़ी रात हो गई घर से बाहर था और यहाँ पे जो है इसको खौफ आ रहा था इसने क्या किया ही डिसाइड्स टू आउट ऑफ पार्टी, इसने पार्टी से निकलने की कोशिश किया वहां से ये पार्टी से बड़ा खुशी खुशी आ रहा था और जब ये आ रहा था तो जो स्ट्रीट्स थी वहां पे अंधेरा होता गया खाली होती गई और आते आते मतलब एक हाई क्लास सोसाइटी में गया था ना अब ये वापस लो क्लास सोसाइटी में आ रहा है ये देखता है जो फेस्टिव नेबरहुड था वो चेंज हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लो हाउसेज़ हैं डिम लैम्प हैं और आते आते एक एम स्क्वेयर में पहुँचता है ये ठीक है जब ये एम स्क्वेयर में पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है एक वॉचमैन भी है अब उस जगह पे ये बड़ा ही ज़्यादा खौफ खा रहा होता है तो उसको बड़ा डर लग रहा होता है और ये चाहता है कि यहाँ जल्दी जल्दी निकल जाए ये अपनी आँखें बंद कर लेता है ताकि जल्दी से यहाँ से निकले लेकिन जब भी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है इसके सामने दो बियर्डेड मैन खड़े होते हैं यानी कि दो चोर खड़े होते हैं इनमें से एक चोर इसको पकड़ता है और इसका जो ओवर कोट है उसे छीन के ले जाता है और जब वो इससे इसका ओवर कोट छीनता है तो उस टाइम पे पर जो है वो शाउट करने की कोशिश करता है यानी कि मदद के लिए ना चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा चोर उसको डराता है कि अगर तुमने यहाँ पे चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा उसके बाद जो आदमी है वो इससे इसका क्लोक इनकी इससे ओवर कोट ले लेते हैं इसको धक्का देते हैं जमीन की तरफ और वहां से भाग जाते हैं अकीके जो है वो अपना कॉन्शियसनेस खो बैठता है और जब अकीके अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है तो वो वॉशमैन के पास जाता है रो रहा होता है और कहता है वॉशमैन को तुमने जो है तुमने देखा चोरी हो रही थी तुमने चोरी को हो होते हुए इग्नोर किया तुमने उन आदमियों को नहीं पकड़ा आगे से वॉशमैन कहता है मैंने तो सिर्फ दो आदमी देखे थे जिन्होंने आगे तुम्हें रोका था मुझे लगा वो तुम्हारे दोस्त हैं अब अकेले बहुत दुखी होता है और वो बर्फ़ से भरा हुआ होता है उसको वॉशमैन कहता है कि तुम जो हो ना सुबह जाके पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा देना चोरी की एनी हाउ दुखी दुखी अकेले अपने घर में आ रहा है वापस जब घर आ रहा है तो पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है जब घर का दरवाज़ा खटकाता है तो जो लैंड होती है उस की मालिक होती है वो इसको देख के बड़ा हैरान होती है फिर ये सारा अपना मामला बताता है उसको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सुनने के बाद इसको लैंड लेडी कहती है कि तुम सुबह ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाना वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि लैंड लेडी का मानना ये है कि जो सुपरिटेंडेंट है ना वो बहुत ही अच्छा आदमी है क्योंकि वो रोज सुबह इतवार को चर्च जाता है और हर एक को एक फ्रेंडली स्माइल देता है इसलिए उसको लगता है कि सुपरिटेंडेंट अच्छा आदमी है एनी हाउ अगली सुबह अकेके जो है वो जाता है सुपरिटेंडेंट के पास उसके घर जाता है लेकिन पता लगता है कि सुपरिटेंडेंट सो रहा है वो फिर दोबारा आता है टेन ओ क्लॉक फिर पता लगता है कि वो दोबारा से सो ही रहा है फिर वो एलेवन ओ क्लॉक दोबारा आता है फिर पता लगता है कि सुपरिटेंडेंट वो घर पे है ही नहीं फिर अगर के शाम को आता है तो जो क्लर्क होता है वो कहता है कि सुपरिटेंडेंट से आप मिल नहीं सकते अगर के बड़ा गुस्सा खाता है उसको कहता है मैं एक गवर्नमेंट का पर्सन हूँ मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ मुझे ज़रूरी काम है मैं उनसे इन पर्सन मिलना चाहता हूँ एनी हाउ क्लर्क जो है फाइनली उसको सुपरिटेंडेंट से मिलने देता है और जब वो सुपरिटेंडेंट से मिलता है उसको भी सारी कहानी बताता है तो कहानी सुनने के बाद सुपरिटेंडेंट इंस्टेड के मैटर के ऊपर गौर करता है वो इसके क्राइम के ऊपर गौर करता वो इससे सवाल पूछने लग पड़ता है कि तुम इतनी लेट क्यों घर पे आ रहे थे तुमने क्या किया इतनी रात को और वो कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता अब उसके बाद अगले दिन जो है ना ये अपना वही ओल्ड टैटर्ड गाउन पहन के क्लॉक पहन के यानी कि ओवर कोड पहन कर जाता है डिपार्टमेंट में जब ये डिपार्टमेंट जाता है उसके को वर्कर जो है इसको देख के बड़ा हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ना ऐसा करो तुम पुलिस के पास ना जाओ तुम इम्पोर्टेंट पर्सन है ठीक है एक पर्सन का नियम है इम्पोर्टेंट पर्सन उसके पास जाना क्योंकि जो पुलिस होती है ना वो तभी तुम्हारा काम करती है जब उनको कोई फ़ायदा हो रहा हो उनकी पोजिशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही हो इम्प्रूव हो रही हो और कहते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन है एक अच्छा आदमी है ये हर एक की सुनता है तो तुम इसके पास जाओ तुम्हारी बात भी सुनेगा अब इनकी बातें सुनने के बाद अपने वर्कर्स की बात सुनने के बाद अकेके जो है वो इम्पोटेंट पर्सन के साथ पास जाता है इम्पॉर्टेंट पर्सन इनके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंड था अब इम्पोर्टेंट पर्सन कैसे का एटीट्यूड निकला उसका जी अकेले जो उसके पास गया वो अपने दोस्त से बात कर रहा था उसने कहा को तुम ना बाहर वेट करो यानी कि अकेके को अभी अंदर नहीं आने दिया अब अकेके जो है वो बाहर वेट कर रहा है कब इम्पॉर्टेंट पर्सन फ्री हो गई उनसे जाके बात करके आए लेकिन इम्पॉर्टेंट पर्सन अपनी दोस्त के साथ लंबी बातें करने लग पड़ता है और वो ये शो ये करा रहा था कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है उससे लोग मिलने के लिए आते हैं और जो भी उसे मिलने के लिए आता है उसको इंतज़ार करना पड़ता है वो यहाँ पे ये शो करवा रहा था बट एनी हाउ काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब अकेके इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने गया तो इम्पोर्टेंट पर्सन ने अके से बड़ा रूडली बिहेव किया और अकेके ने जब उसको कहा कि मेरा ओवर कोर्ट ऐसा चोरी हो गया मैं उसका मैटर को सोल्व करना चाहता हूँ बड़े फेमिलरिटिव वे में ना उसने बात की थी उससे तो जिस बेस पे पर सॉरी इम्पोर्टेंट पर्सन को, को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम्हें मुझे मेरी मुझे मुझे बताने के बजाय तुम्हें चाहिए था तुम सेक्रेटरी से बात कर लेते तो इसने कहा अके के ने कि मुझे तो उन पर एतबार ही नहीं है वो अनरिलइबल है जिस बेस पर इम्पोर्टेंट पर्सन को और गुस्सा आया और उसने अकेके को वहाँ से जाने के लिए कह दिया अब अकेके बड़ा फेंट फील करता है और वो ऑफिस से चला जाता है बड़ा ही परेशान अब ये स्नो स्टोम से होता हुआ अपने अपार्टमेंट पहुँचता है उसको बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और बुखार की वजह से उसकी फाइनली परेशानी से डेथ हो जाती है डेथ से पहले वो कुछ ख्वाब देखता है वो देखता है जो पेट्रोव था जिसने इसको ओवरकोट बना के दिया था उसके बारे में ड्रीम देखता है फिर चोरों के बारे में ड्रीम देखता है अपने ओल्ड ओवर के बारे में ड्रीम देखता है और इन ख्वाबों को देखने के बाद उसकी कंडीशन फर्दर वर्स हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है जब इसकी डेथ होती है कोई भी इतना नोटिस नहीं देता क्यों एक गरीब आदमी था कोई पोजेशन नहीं छोड़ के गया कुछ था नहीं इसके पास तो इसलिए किसी ने कोई इसका नोटिस नहीं लिया इतना बेयरली किसी ने को नोटिस किया होगा लेकिन एनी हाउ किसी के ऊपर कोई भी इसकी डेथ का को कोई भी इम्पैक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ जैसे सेंट पीटर्सबर्ग इसकी डेथ से पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलता गया और जिस कापी राइटिंग के डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा था जब उनको पता लगा कि अकेकी की डेथ हो गई है तो उन्होंने भी इसकी डेथ के बाद फ़ौरन ही एक न्यू ऑफिशियल को हायर कर लिया फिर इसके बाद इसके मरने के बाद जो है वो अफवाहें फैलने लग पड़ी कि जो अकेक्की है उसका भूत देखा जा रहा है उसका घोष नजर आ रहा है उसका घोष जो है वो क्लिनकिन ब्रिज में देखा गया है और जितने भी लोग वहां से वो गुजर रहे हैं वो उन सबके क्लॉक उतार रहा है वो कोड ढूंढने की कोशिश कर रहा है और एक रात जो है इंपॉर्टेंट पर्सन अपनी पार्टी को छोड़ के अपने मिस्ट्रेस के घर जाना चाह जा रहा था जब वो जा रहा था तो वहां पे इसने अपने कॉलर के ऊपर एक हाथ महसूस किया और वो हाथ के का था उसके भूत का था ओके के का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से कहता है कि अपना क्लॉक अपना ओवर कोड मुझे दे दो और जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो डर जाता है और डर के फौरन से अपना जो क्लॉक है अपना ओवर कोड है वो भूत के ऊपर फेंकता है और जल्दी से अपने घर चला जाता है और तब से जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ये और ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ ट्रिएट करने लग पड़ता है और इसके बाद जब प्ले की क्लोजिंग स्टोरी की क्लोजिंग हो रही होती है बताता है कि वॉचमैन जिसका नाम क्लोमना है वो एक घोस्ट को फॉलो करता है जब वो भूत मरता है तो वॉशमैन डज नॉट एक्ट बट नोटिस इज द दिस घोस्ट इज़ टू टॉल टू बी एके के और वो भूत बहुत बड़ा था उसकी मूछे भी थी और वो रात के वक्त ओबोकोफ ब्रिज की तरफ जा रहा था और फिर वो गायब हो गया हर उस ऑफिशियल हर पावरफुल पर्सन को डरा के जो कि गरीबों को लोअर रैंक के लोगों को और अनपेड ब्यूरोक्रेट्स को एक्सप्लोय कर रहे थे दैट्स ऑल यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमिक एंड अब्जेड एलिमेंट भी नज़र आएंगे सुपर एलिमेंट की भी जो है हम लोगों को प्रेजेंस नज़र आएगी स्टोरी के अंदर इसके अलावा इसमें ब्यूरोसी एंड सेल्फहुड का थीम डोमिनेंट है मटेरियलिज्म का थीम डोमिनेंट है सोशल स्टेटस एंड फेट का थीम डोमिनेंट है और उसके बाद इनसिग्निफिकेंट ऑफ द एवरी मैन ये इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर हम इसके अंदर मार्क्सिज्म भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई आई होप ये ले लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दुआ में खास याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट विद अल्लाह हाफिज़